Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we'll see how to open this Euroclean X-Force vacuum cleaner and clean it. Actually, I'm using this vacuum cleaner since a year, and after that when I'm trying to open this vacuum cleaner to clean it, it didn't open up clearly. So I thought to see some video in YouTube how to actually open it. But I didn't find a single video which can help me to open this vacuum cleaner. Actually, बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे कि ये वैक्यूम क्लीनर को कैसे यूज़ करना है, तो डिफरेंट पार्ट्स जो है उसको कैसे यूज़ करना है, आपको बहुत सारे वीडियो इसके बारे में मिल जाएंगे. लेकिन जब ये वैक्यूम क्लीनर बहुत दिन यूज़ के बाद जाम हो जाता है, इसको कैसे ओपन करना है, उसके बारे में आपको बहुत कम वीडियो यूट्यूब में मिलेंगे. तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये वैक्यूम क्लीनर को कैसे ओपन करना है जाम होने के बाद. तो आपको एक स्क्रू ड्राइवर लेना है जो आपके घर पे रहता है, तो स्क्रू ड्राइवर लीजिए और इसको ये जो मशीन है इसको इस तरफ पकड़िए और इसको प्रेस करके थोड़ा ऊपर कीजिए. ये तो ऊपर नहीं होगा क्योंकि आपका वैक्यूम क्लीनर जाम हो गया है. तो आपको थोड़ा सा इस स्क्रू ड्राइवर में थोड़ा सा टेढ़ा करके आपको थोड़ा सा प्रेशर देना है, और ये प्रेशर आपको दोनों साइड से देना पड़ेगा टू ओपन इट. कोई डरने का बात नहीं है, ये बहुत अच्छी कंपनी का है, आपको बहुत कम चांस है कि ये टूट जाएगा. बट आपको हल्के से दोनों साइड से इक्वल प्रेशर देके थोड़ा सा ओपन करना है. जैसे ही ओपन हो जाएगा इसको आराम से अब फिर ऊपर कर दीजिए. तो ये है टेक्निक, ये बहुत आराम से आपको आप इसको ओपन कर सकते हैं. थोड़ा सा आपको डर लग सकता है क्योंकि इतने कॉस्टली मशीन जो है आपके, बट कोई डरने का बात नहीं है, ये स्क्रू ड्राइवर जो है ये आपको हेल्प करेगा इसको ओपन करने में. तो इसके बाद हम देखेंगे कि इसको कैसे निकालना है और कैसे क्लीन करना है. ये बहुत आसान है, ये देखिए एक बार ओपन होने के बाद ये जो प्लेट है इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ प्रेस करना है तो ये अपने आप बाहर आ जाएगा. जब ये बाहर आ जाता है ये इसको आपको लेके सीधा डस्टबिन में डाल देना है. याद रखिए बहुत सारे डस्ट इसके ऊपर आएंगे, तो उसके बाद आप इसको पानी में क्लीन कर सकते हैं. तो अभी हम देखेंगे इसको कैसे फिट करना है वापस. तो ये जो डस्टबिन है जहाँ पे आपका डस्ट वगैरह रहता है, इसको आपको इसी तरफ इसी पाइप के अंदर डालना है. ये बहुत टाइट रहता है, यू हैव टू मेक श्योर टू फिट इट कम्प्लीटली. एक बार फिट होने के बाद आप इसको अंदर लेके, ये देखिए ये जो होल है ये होल सामने के साइड पर रहेगा, और उसके हिसाब से आप ये प्लेट को अंदर डाल के थोड़ा प्रेस कर दीजिए. तो उसके बाद आपका जो वैक्यूम क्लीनर है ये वापस फिट हो गया, और फिर आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं.